आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखित पवन दूतिका के पहले पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे जो हरिऔध लिखा है यह इनका उपनाम है। बहुत सारे कवि और लेखक जो है अपने मूल नाम के अलावा उपनाम भी रखते हैं, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हरिऔध रखा है। वैसे आपने देखा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, वो अपने को निराला कहते हैं तो निराला उपनाम है। जैसे रामधारी सिंह अपना उपनाम दिनकर रखते हैं, तो लोग अपना उपनाम भी रखते थे, तो हरिऔध इनका उपनाम है। हमेशा की तरह जैसे मैं करता था, पहले पद्यांश को पढ़ता हूँ और उसमें जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों का पहले आपको सरल अर्थ बता देता हूँ, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे, ठीक है? तो आप ध्यान से सभी शब्दों के सरल अर्थ को सुनिए। बैठी, बैठी मतलब बैठी हुई, बैठी मतलब बैठी हुई। खिन्ना माने अप्रसन्न, उदास, दुखी, चाहे जो ले लीजिए, अप्रसन्न, उदास, दुखी, तीन में से जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। यक, यक माने एक, यक माने एक। दिवस माने दिन, दिवस माने दिन। वे, देखिए वे जो शब्द है ये राधा के लिए आया है, तो आप इसको राधा जी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप राधा जी कह लीजिए, राधा कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जो अच्छा लगे ले लीजिए। गेह मतलब घर, गेह मतलब घर। मैं थी, अकेली, ये तीनों सरल है, ऐसे रहेगा, इसको बदलना नहीं है। आके मतलब आ करके या निकल करके, जैसे वाक्य में अच्छा बैठ जाए, आ करके या निकल करके। आंसू सरल है, ऐसे ही रहेगा। दीर्घ माने आँख या नेत्र, जो आपको अच्छा लगे, आँख या नेत्र। देखिए युगल माने तो वैसे जोड़ा होता है, लेकिन युगल माने दो भी होता है, तो युगल माने दो अर्थात दोनों, दो अर्थात दोनों। में सरल है, ऐसे रहेगा। थे, ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। धरा माने धरती, पृथ्वी, जमीन, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए, धरती, पृथ्वी, जमीन। को सरल है, ऐसे ही रहेगा। भिगोते मतलब भिगो रहे, भिगोते मतलब भिगो रहे। आई, आई मतलब आई या प्रवेश किया, आई या प्रवेश किया। धीरे, धीरे से, धीरे धीरे से। इस सरल है, ऐसे ही रहेगा। सदन माने घर होता है, आपने सुना होगा पर्यायवाची में सदन, गृह, कुंज, निकेतन, धाम, सब घर के पर्यायवाची हैं, तो सदन माने घर। में सरल है, ऐसे रहेगा। पुष्प सदगंध मतलब पुष्प की सुगंध या पुष्प की खुशबू, जो आपको अच्छा लगे। को ले मतलब को ले करके, को ले करके, को ले मतलब को ले करके, ठीक है? को का मतलब कोई होता है, ले मतलब ले करके, तो को ले मैंने ले लिया, तो को ले करके। प्रातः वाली मतलब प्रातःकालीन, प्रातः वाली मतलब प्रातःकालीन। सुपवन, देखिए अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग अर्थ करके व्याख्या की है, आप चाहे तो सुंदर पवन कह लीजिए, चाहे सुगंधित पवन कह लीजिए, दोनों से ही व्याख्या हुई है, तो आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। मैं सुगंधित पवन लूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं सुगंधित पवन ही लेकर के व्याख्या करूँगा। इसी, ऐसे ही रहेगा, सरल है। काल मतलब समय, काल मतलब समय, तो इसी काल का मतलब इसी समय। वातायनों, वातायनों का मतलब होता है खिड़की, झरोखा, रोशनदान, जो आपको पसंद हो, खिड़की, झरोखा, रोशनदान। मैं व्याख्या करते समय उस समय मेरे मुंह से जो भी निकलेगा मैं ले लूँगा। से सरल है, ऐसे ही रहेगा। संतापो, संताप मतलब होता है कुछ कष्ट या दुख, तो संताप मतलब कष्ट या दुख। को सरल है, ऐसे ही रहेगा। विपुल माने अधिक या अत्यधिक, विपुल माने अधिक या अत्यधिक। बढ़ता मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ता मतलब बढ़ता हुआ। देख के अर्थात देख करके, देख के अर्थात देख करके। दुखिता मतलब दुखी या व्यथित, दुखी या व्यथित। हो मतलब होकर, हो मतलब होकर। धीरे, धीरे से, धीरे धीरे से। बोली, बोली मतलब कहा, बोली मतलब कहा। सदुख, स माने साथ, दुख माने दुख, तो सदुख मतलब दुख के साथ, सदुख माने दुख के साथ।
उससे सरल है ऐसे रहेगा, ये हवा पवन के लिए आया है उससे, श्रीमती राधिका ऐसे ही रहेगा नहीं बदलेगा, नाम है श्रीमती राधिका, यों मतलब इस प्रकार, यों मतलब इस प्रकार, प्यारी सरल है ऐसे ही रहेगा, प्रातः पवन प्रातःकालीन पवन या प्रातःकालीन हवा, तो मुझे तो पवन ही अच्छा लग रहा है तो मैं तो पवन ही कहूँगा, प्रातःकालीन पवन, इतना सरल है ऐसे ही रहेगा, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, ऐसे ही रहेगा नहीं बदलेगा, मुझे है दोनों सरल है कुछ भी दिक्कत नहीं ऐसे रहेगा, सताती यह भी सरल है आप वाक्य अनुसार बदल लीजिएगा, सताती है या सताती थी जो भी होगा वैसे सताती है होगा, ठीक है, क्या प्रश्नवाचक शब्द ऐसे रहेगा, तू भी सरल है ऐसे ही रहेगा, है सरल है ऐसे ही रहेगा, कलुषित, कलुषित मतलब प्रदूषित या प्रभाव पड़ना, कलुषित माने प्रदूषित या प्रभाव पड़ना, ठीक है, हुई हुई है, काल मतलब समय, काल मतलब समय, की सरल है ऐसे ही रहेगा, क्रूरता मतलब कठोरता, क्रूरता मतलब कठोरता से ऐसे ही रहेगा, तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए, अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे फिर व्याख्या करेंगे, तो सबसे पहले चलिए हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं, आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है, पूर्ण विराम लगाएंगे और इसी में आगे लिखेंगे इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं, आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री हरिऔध जी द्वारा राधा की विरह दशा का वर्णन करते हुए उनके द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं, लेकिन व्याख्या करने से पहले मैं तीन बातें आपसे कहना चाहूँगा, यदि इन तीन बातों को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कोई भी व्याख्या आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मेरी इन तीन बातों को आप ध्यान से सुनिए। देखिए जो सबसे पहली ज़रूरी बात होती है व्याख्या के लिए वह होती है किसी भी पद्यांश में जितने शब्द आए होते हैं उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, यदि सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम हो जाए तो फिर आपको व्याख्या में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। दूसरी ज़रूरी बात देखिए ये जो शब्द हैं कभी भी अपना अर्थ सीधे सीधे नहीं देते हैं, इनको आगे पीछे करके हमको अर्थ निकालना होता है, कभी हम देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है कि कभी हम यहाँ से व्याख्या शुरू करते हैं तब हमारा वाक्य सही बनता है, पता चला यहाँ का शब्द लिया फिर ये शब्द लिया फिर ये शब्द लिया, ऐसे मतलब जहाँ जहाँ से जो शब्द ले करके हमारी व्याख्या हमारा वाक्य हिंदी वाला बनेगा वो हमको सीखना होता है कि कौन सा शब्द आगे पीछे करके हम वाक्य बना लें, ठीक है। दूसरी बात और तीसरी ज़रूरी बात होती है देखिए ये जो शब्द हैं इन शब्दों से जो वाक्य बनता है कभी कभी वह वाक्य हमको अधूरा लगता है और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ हम अपनी तरफ से जोड़ दें तब हमारा वाक्य सही बनेगा, तो वो चीज़ें आपको सीखनी होंगी कि क्या चीज़ हम किसी वाक्य में जोड़ दें कि हमारा वाक्य सही बन जाए, यदि इन शब्दों से ही हमारा वाक्य सही सही बन जा रहा है तब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि नहीं बन रहा है तो हमको बहुत सारी बातें अपनी तरफ से जोड़नी होती हैं, ये तीन चीज़ अगर आप दिमाग में रखे रहेंगे तो कोई भी व्याख्या हो आप चुटकी में सीख जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ, आप इन तीनों बातों को दिमाग में रख करके मेरी व्याख्या को सुनिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग व्याख्या को शुरू करते हैं, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना होगा, आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे ध्यान से सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश में
कवि हरियौध जी राधा जी की विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं जब। अब आ जाइए पद्यांश पर। देखिए मैं यहाँ से व्याख्या शुरू कर रहा हूँ। जब राधा जी एक दिन घर में अप्रसन्न होकर अकेली बैठी हुई थी। देखिए वाक्य बन गया ना। अब देखिए इसी वाक्य को मैं अब दूसरी जगह से शुरू करता हूँ, ठीक है, लेकिन भाव वही रहेगा, भाव में अर्थ नहीं बदलेगा, मेरे वाक्य के शब्द आगे पीछे हो जाएंगे लेकिन अर्थ वही रहेगा। ध्यान दीजिए कैसे। देखिए मैंने यहाँ से पहली बार शुरू किया था, अब मैं यहाँ से नहीं शुरू करूँगा। देखिए जितना मैंने जोड़ने के लिए बताया है वो आप जोड़ देंगे, ठीक है, फिर से मैं जोड़ के भी बता देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरियौध जी राधा जी की विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं जब। अब आ जाए पद्यांश पर। जब एक दिन राधा जी घर में अप्रसन्न होकर अकेली बैठी हुई थी। तो देखिए मैंने पहली बार यहाँ से शुरू किया, दूसरी बार यहाँ से शुरू किया, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदला। तो मैं इस लाइन के माध्यम से आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी शब्द को उठाइए लेकिन आपका वाक्य बन जाना चाहिए और भाव नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लाइन मैंने जैसे बता दी वही पत्थर की लकीर है और वही वाक्य में आपको कहना पड़ेगा, नहीं। देखिए मैंने बताया ना कि पहली बार यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से शुरू किया, इसी वाक्य को और भी दूसरी जगह से आप शुरू करेंगे तब भी बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने कहा कि शब्दों को आगे पीछे करके आपको वाक्य बनाना आना चाहिए, व्याख्या में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरी लाइन देखते हैं। दूसरी लाइन देखिए, उनकी। अब देखिए यहाँ पर कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ हो उनकी, लेकिन अगर उनकी नहीं जोड़ेंगे तो आपका वाक्य अधूरा लगेगा। देखिए कैसे, उनकी दोनों आँखों से आंसू निकल करके धरती को भीगो रहे थे। फिर थोड़ा सा अपने जोड़िए, अर्थात उनकी दोनों आँखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे। और आपकी दोनों लाइन की व्याख्या हो गई। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ से शुरू किया था, उनकी जोड़ने के बाद यहाँ शुरू किया था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आप शुरू करिए, वाक्य जहाँ से भी आपका बन जाए बस वाक्य की भावना ये आनी चाहिए कि उनकी दोनों आँखों से आंसू निकल करके धरती पर गिर रहे थे, धरती पर उनकी दोनों आँखों से आंसू निकल के गिर रहे थे, ऐसे भी वाक्य बन सकता है। तो आप वाक्य को अपने हिसाब से बनाइए और ये तभी हो सकता है जब आपको सभी शब्दों का अर्थ मालूम हो। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रातःकालीन सुगंधित पवन इसी समय खिड़कियों से पुष्प की सुगंध को लेकर इस घर में धीरे से आई। अब यहाँ पर यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ से शुरू किया, इस लाइन को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से ही हमारा वाक्य जब ऊपर चलेंगे तो बैठेगा और जब ऊपर से आप नीचे आएंगे तो वाक्य बैठाने में दिक्कत होगी। अगर आप ऊपर से ही अपने वाक्य को बैठा सकते हैं कि प्रातःकालीन पवन सुगंधित पवन फूलों की खुशबू लेकर के इसी समय इस घर में धीरे से आई, तो आप ऊपर से शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यही होनी चाहिए कि सुबह वाले सुगंधित पवन खिड़कियों से फूल की खुशबू लेकर के इसी समय धीरे से घर में आई। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप सीखिए, आप व्याख्या को रटिए मत, सीखिए। चलिए आगे की लाइन देखिए। अपने जोड़िए, अपने दुखों को अधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर राज श्रीमती राधिका
फटकार लगाते हुए, अपने जोड़ना है आपको फटकार लगाते हुए। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल गया कि फटकार लगाते हुए जोड़ना है, तो देखिए नीचे की जब लाइन में आएंगे ना तो वो डांट रही है, मतलब एक तरह से डांट रही है कि तुम मुझे सता रही हो। तो भाई जब आप किसी को कहेंगे कि तुम मुझे सता रही हो तो प्रेम से बोलेंगे क्या, डांटेंगे ही ना। तो ये नीचे के वाक्य बता रहे कि हमको यहाँ जोड़ना है कि फटकार लगा रही हैं। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे, अपने कष्टों को अधिक बढ़ता हुआ देखकर व्यथित या दुखी चाहे जो ले लीजिए, व्यथित होकर श्रीमती राधिका फटकार लगाते हुए इस प्रकार धीरे से दुख के साथ उससे बोली। अब चाहे बोली कहिए चाहे कहा, कहा हे प्यारी प्रातःकालीन पवन तू, अब तू कहीं नहीं आप अपने जोड़िए, तू मुझे इतना क्यों सताती है। पूर्ण विराम लगाएंगे, आगे लिखेंगे क्या तू भी समय की कठोरता से प्रदूषित हो गई है। फिर थोड़ा सा अपने जोड़िए, अर्थात क्या तेरे ऊपर भी काल की कठोरता का प्रभाव पड़ गया है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए इस पूरी व्याख्या को मैं फिर से लगातार एक बार कर दूं, क्योंकि बीच में मैंने समझा समझा के क्रम तोड़ा है, तो मैं एक बार फिर लगातार आपसे व्याख्या करता हूं। और इस बार देखिए कुछ न कुछ चीज़ें पहले से बदल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके शुरू में अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरियोध जी राधा जी की विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं जब, अब आ जाइए पद्यांश पर, जब राधा जी एक दिन अप्रसन्न होकर घर में अकेली बैठी हुई थी, उनकी अपने जोड़े उनकी दोनों आँखों से आंसू निकल कर धरती को भिगो रहे थे। फिर अपने से जोड़ना है, अर्थात उनकी दोनों आँखों से आंसू गिरकर जमीन को भिगो रहे थे। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, प्रातःकालीन सुगंधित पवन इसी समय खिड़कियों से फूल की खुशबू को लेकर इस घर में धीरे से आई। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, अपने, इतना आपने जोड़िए, अपने कष्टों को अधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर श्रीमती राधिका फटकार लगाते हुए, अपने जोड़िए फटकार लगाते हुए इस प्रकार धीरे से दुख के साथ उससे कहा। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन तू, अपने जोड़िए तू मुझे इतना क्यों सताती है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, क्या तू भी समय की कठोरता से प्रदूषित हो गई है। फिर अपने जोड़ेंगे, अर्थात क्या तेरे ऊपर भी समय की कठोरता का प्रभाव पड़ गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो बताइए कहाँ क्या दिक्कत है। यदि आपको सभी शब्दों का अर्थ मालूम हो गया तो कहीं कोई दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं और उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे।
पहले हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, फिर प्रश्न पे आते हैं। पहले काव्य सौंदर्य देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो पहली बात है रस। तो रस इसमें कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार क्यों है? क्योंकि इसमें राधा जी कृष्ण जी के वियोग में बैठ करके रो रही हैं। तो आपको पता है जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं और तब उनको जो तकलीफ़ होती है, जो कष्ट होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है। छंद की यदि बात करें तो छंद है मंदाक्रांता। अब देखिए यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपसे कहना चाहूँगा कि जो हरिऔध जी की पवन दूतिका है, इसमें पूरे छंद पूरे पद्यांश ही मंदाक्रांता के हैं, और ये इसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि साइंस में ये अलंकार है ही नहीं कि आपको डिटेल से पढ़ना है। बस दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि पवन दूतिका में जो छंद है वो मंदाक्रांता है, ठीक है। चले यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास और मानवीकरण है। देखिए अलंकार आप जरूर दिमाग में बैठाइए प्रत्येक पद्यांश का, क्योंकि अलंकार से प्रश्न आता ही आता है। तो चलिए मैं पद्यांश में दिखा दूं कि अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान दीजिए, प्यारी प्रातः पवन, तो यहाँ पे प प प करके आ रहा है, जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आ जाए लगातार, आप समझ लीजिए कि वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ देखिए कलुषित, नहीं यहाँ से देखिए काल की क्रूरता, यहाँ क क और क की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे आपको अनुप्रास अलंकार मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा है मानवीकरण। देखिए मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कोई निर्जीव चीज हो और उसका वर्णन ऐसे हो जैसे वो कोई आदमी हो, मानव हो, जिंदा हो, तो वहाँ पे मानवीकरण होता है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, जो राधा जी हैं वो जो सुबह की पवन है, प्रातःकालीन पवन है, उसको ऐसे डांट रही हैं, ऐसे समझा रहे हैं कि कोई वो जिंदा औरत हो, जिंदा कोई मतलब मानव हो, लेकिन वो मानव तो है नहीं ना, वो निर्जीव हवा है। तो जब निर्जीव चीज़ों को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वो मनुष्य है, वहाँ पे मानवीकरण होता है, ठीक है। तो दोनों अलंकार आपको समझ में आ गए। चलिए आगे देखते हैं, यदि हम भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है। आपको पता है कि हरिऔध जी खड़ी बोली के ही कवि हैं, ठीक है। शैली प्रबंध है। देखिए इसके इसको भी जरा सा समझ लीजिए, यद्यपि यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं, लेकिन समझ लीजिए। देखिए प्रबंध शैली क्या होती है? जब कोई पद्यांश ऐसा हो जो किसी कहानी पर आधारित हो और उसका क्रम से वर्णन हो, जैसे आप रामचरितमानस को देख लीजिए, जैसे रामचरितमानस जो है वो प्रबंध शैली का काव्य है, यानी जब वो तुलसीदास ने लिखा तो राम का जन्म लिखा, वनवास लिखा, उसके बाद सीता का हरण लिखा, फिर रावण वध लिखा, उसमें ऐसा नहीं कि उन्होंने राम का जन्म लिखा फिर रावण का वध लिख दिया। तो ऐसे पद्यांश जो एक क्रम से चलते हैं, क्रमशः चलते हैं, वो प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह से ये जो है इसमें जो हरिऔध जी हैं वो राधा की जो दशा है उसको क्रमशः दिखा रहे हैं, है ना, एक से एक पद्यांश दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो प्रबंध शैली है। यदि गुण की बात करें तो प्रसाद है। प्रसाद गुण वहाँ पे होता है जहाँ पर किसी पद्यांश का जो अर्थ होता है, जो व्याख्या होती है, आप शब्दों को पढ़ के आसानी से कर लें, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत न हो व्याख्या करने में, तो जान लीजिए वहाँ पे प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति अभिधा होती है, ये एक बड़ा मतलब टॉपिक है, यहाँ से अक्सर प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखे रहिएगा कि इसमें शब्द शक्ति अभिधा है, इसको आपको विस्तार से पढ़ना होगा, ये एक मिनट में आपको नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न बनते कैसे पहले ये देख लें, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, पांच ही प्रश्न होंगे, लेकिन वो प्रश्न इससे अलग भी हो सकते हैं, एक पद्यांश में पता नहीं कितने प्रश्न बन सकते हैं और कहीं से आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यदि शुरू से अंत तक आपने संदर्भ प्रसंग व्याख्या को सुना है तो कोई प्रश्न कहीं से पूछे आप हल कर लेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की
किस स्थिति का वर्णन किया है। तो देखिए व्याख्या में मैंने आपको बताया है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की विरह दशा का वर्णन किया है। फिर आपको अपने जोड़ के लिखना है, वो कृष्ण के विरह में बैठी हुई घर में अकेले रो रही हैं और उनकी आँखों से आंसू निकलकर धरती पर गिर रहे हैं। प्रातःकालीन पवन उनके दुखों को बढ़ा रही है जिसे वे फटकार लगा रही हैं या डांट रही हैं, कुछ भी लिख दीजिए और आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा है। बहुत ही सरल है, देखिए आप लिखेंगे प्रातःकालीन पवन नायिका के दुखों को और बढ़ा रही है इसलिए नायिका ने उसे क्रूर कहा है। कहाँ क्या दिक्कत है बताइए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी ये प्रश्न कह रहा है कि इस पद्यांश में कौन से अलंकार आए हैं बताइए। तो आप देखिए जहाँ पर मैंने बताया है अनुप्रास, उत्तर में उस लाइन को मेंशन करेंगे, प्यारी पवन ऐसे करके है ना, वो लाइन लिखेंगे और बताएंगे कि इसमें प प वर्ण की आवृत्ति हो रही है और जहाँ पे क्रूर की नीचे वाले लाइन में जो मैंने देखा था वहाँ पे क क की पुनरावृत्ति, वो लाइन आप पहले लिखेंगे मेंशन करेंगे और फिर लिखेंगे कि यहाँ पे इस वर्ण की क क की आवृत्ति हो रही है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दोनों जगह को मेंशन करते हुए आपको बताना है, केवल लिखना नहीं है कि अनुप्रास अलंकार है। और आगे लिखेंगे, इसी में उत्तर आगे लिखेंगे, और इसमें जो प्रातःकालीन पवन है उसको वो अपनी दूतिका के रूप में देख रही हैं जिसके कारण यहाँ पर मानवीय अलंकार भी दिखाई पड़ रहा है। ऐसे आप लिख देंगे और आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब चूंकि आप 12 के छात्र हैं तो वाक्य बनाना तो सीख ही गए हैं, आप मेरी बातों को अपने तरीके से अच्छा सा वाक्य बना के लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या, मैं थोड़ा सा पद्यांश पर चलता हूँ और फिर आपको एक बार बताता हूँ। देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश है, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, आप प्रश्नोत्तर नंबर जो भी है वो डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और शुरू में थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा ध्यान से सुनिए, प्रस्तुत पंक्ति में, पद्यांश नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लाइन की व्याख्या कर रहे हैं, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। मैंने जो पद्यांश बोला था तब मैं पूरे पद्यांश की व्याख्या कर रहा था। आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में कवि हरिऔध जी कहते हैं राधिका जी प्रातःकालीन पवन से कहती हैं, इतना आप जोड़ेंगे। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कहती हैं हे प्यारी प्रातःकालीन पवन तू मुझे इतना क्यों सताती है, क्या तू भी काल, समय कर लीजिए, समय की कठोरता से प्रदूषित हो गई है, अर्थात क्या तेरे ऊपर भी काल का प्रभाव पड़ गया है, और आपकी दो लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो भैया जब मैंने आपको संदर्भ बताया था तो मैंने आपको बताया कि इस पाठ का शीर्षक है पवन दूतिका और कवि का नाम है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।